दोस्तों नमस्कार। जब से प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल आए हैं दमन दीव पर, तब से ऐसा लग रहा है कि हमारे पर आफतों का पहाड़ टूट पड़ा है। हर दिन वो हम दमन दीव वासियों पर जैसे वो अणु बम की वर्षा करते हैं, वैसे हम पर कर रहे हैं। हर रोज नया नया ऐसा तुगलकी फरमान हम पर जारी करता है, जैसे दमन दीव की जनता को उस फरमान से अमुक वर्ग का तो सत्यानाशी होता है, हो जाता है। ऐसा हर वक्त एक एक करके पिछले 2 साल से चल रहा है। अभी दिवसे मेरे फोन पर मैसेज आए तो मैं वो देखकर हैरान था, परेशान था। 367 रुपीज एक केबिन का एक महीने का रेंट हुआ करता था, जो दीव के विविध जगहों पे स्टॉल लगाते हैं। वो केबिन कितनी? 5x6 की छोटी सी केबिन, जिसका रेंट हुआ करता था 367 रुपीज हर मंथ। आज वो टैक्स को बढ़ाकर कितना कर दिया गया मालूम है आप लोगों को? 6,000, 8,000 और 30,000 तक। मगर सबसे ज्यादातर 400 रुपया 500 रुपया का टैक्स बढ़कर 8,000 रुपया हर महीने हो गया है। जो 11 महीने का टैक्स था, कितने महीनों का? 11 महीने का टैक्स 6,000 या 7,000 नहीं होता था, तब की एक महीने में अब एक कैबिन वाले को टैक्स हर महीने चुकाने होंगे 8,000। मैं ये पूछना चाहता हूं दमन दीव की उस जनता से, उस लीडरों से, दमन दीव में प्रशासन में बैठे हुए इन अधिकारियों से, क्या आपने कभी देखा है कि वो कैबिन वाला, वो गरीब महीने 8,000 रुपये कमाता है? क्या वो 8,000 रुपये कमा पा रहा है? वो तो 8,000 रुपये कमा नहीं सकता भाई साहब। तो वो हर महीने 8,000 कहां से चुकाएगा? 300-400 रुपये का टैक्स सीधा 8,000, कितनी गुना बढ़ोतरी करोगे आप? क्या गरीब को जड़ मूड से ही हटा दोगे? भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि इस देश से गरीबी को हटाओगे। आप तो गरीबी नहीं, आप तो गरीबों को ही हटा रहे हो। अरे ऐसा कैसे कर सकते हैं आप लोग? कैसी सोच है आपकी? एक तो महंगाई की मांग, उस पर भी धंधा कहां हो रहा है? आज दमन दीव में कहां आ रहे हैं टूरिस्ट? और उसमें भी अगर ये गरीब धंधा करके दिन में मुश्किल से 200-300 रुपये का धंधा कर पाता है, उसका घर चलता है। प्रशासन जी, आप उस गरीब की कैबिन को नहीं बर्बाद कर रहे हो, उसके भविष्य को बर्बाद कर रहे हो। आप उस कैबिन वाले को नहीं, उसके घर पर लात मार रहे हो सर। वो गरीब का आप क्यों नहीं सोच पा रहे हैं? सीधा 300-350-400 रुपये का टैक्स 8,000 हो जाएगा तो कहां से भरेगा? आप क्या चाहते हो? इससे ज्यादा तो अच्छाई अंग्रेजों की थी। वो अंग्रेजों ने भी आज तक ऐसा नहीं किया था, अंग्रेजों ने भी ऐसा नहीं किया था कि गरीबों को इतना, गरीबों पर इतना जुल्म। मगर गरीबों को जीने भी नहीं दे रहे हो आप। इस कदर के फैसले लेंगे जहां पर गरीब तो दम तोड़ देगा। आए दिन नए नए तुगलकी फरमान जारी होते हैं और इस तुगलकी फरमानों से हम दमन दीव वासियों के दिल पे क्या गुजरती है साहब, आपको क्या पता? आप तो एसी ऑफिस में बैठ के ऐसे तुगलकी फरमान जारी कर देते हो। हमारा परिवार क्या भुगतता है, हमारा परिवार कैसे चलता है, उसको आपको क्या परवाह? और ये पॉलिटिशियन, महान पॉलिटिशियन हमारे दमन दीव के साहब, साहब तो भगवान जैसे हैं,
और थोड़ा सा कुछ करो, थोड़ा सा काम करो, प्रशासक की ड्यूटी होती है, तो जाके प्रशासक के चरणों में घुटनों में बैठ के फूल बुके लेके जाते हैं, साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, स्टिकर लगाने में, वाहवाही करने में लगे हुए हैं। कौन बचाएगा इन गरीबों को? प्रशासक महोदय जी, आपसे हाथ जोड़ विनती करता हूं, लोगों को इतना भी मत उकसाओ कि वो मजबूर हो जाए, किसी की खामोशी का इतना भी फायदा मत उठाओ को चिल्लाने पे मजबूर हो जाए। ये देश में जो अराजकता फैली हुई है वो एक वजह यह भी है इस सिस्टम की वजह से। सिस्टम उन पे इतना अत्याचार करता है कि वो आखिर में बंदा रोड पे उतर आता है, बगावत को उतर आता है। हमारे दमन दीव में शांति से जीने वाले लोगों को आप इतना मत परेशान करें कि वो रास्ते पे उतर आए। गरीब वास्ते शोषण करूं, गरीबों को शोषण करना क्या देश? गरीब वास्ते शोषण करूं, गरीबों को शोषण करना क्या देश? ईश्वर का दरबार में आपकी छुटकारा नहीं है। आप कहते थे गरीबों पर इतना जुर्म करना, उनका इतना अत्याचार करना, तो आप क्या कर रहे हो प्रशासक जी? ये हमारे पॉलिटिशियन भी आप लोगों की खामोशी दमन दीव को सत्यानाश के रास्ते पे ले जा रही है। हमने आप लोगों को चुना था कि आप लोग हमारे भविष्य की रक्षा करोगे, मगर आप इतने नीचे गिर जाओगे और प्रशासक के घुटने पे बैठ जाओगे वो हमने कभी नहीं सुना था। अगर आप लोगों की नहीं चलती है तो अभी भी वक्त है, सब साथ में इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दो और रास्ते पे आओ, नहीं तो हम सब रास्ते पे आ जाएंगे, लोग रास्ते पे आ जाएंगे। और इतनी मुसीबतों में फंस रहे हैं लोग, आज दीव की भाव बढ़ोतरी हुई है स्टॉलों की, कल दमन के लोगों के साथ होने वाला है। दमन के लोग भी चुप ना बैठो, आप लोगों के भी डीएमसी में ऐसा ही चल रहा है, दमन की डीएमसी में भी ऐसी भाव बढ़ती होने वाली है। यह सही वक्त है इस तुगलक के फरमानों का विरोध किया जाए। मैं दमन दीव की हर जनता से विनती करता हूं, ये वक्त है सब साथ होने का। प्रशासक जी एक 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 करके सारे बिजनेसों को टारगेट कर रहे हैं और हर बिजनेस वाला अपनी लड़ाई लड़कर शांत हो जाता है क्योंकि उसको किसी का साथ नहीं मिलता। अब मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, हर एक व्यक्ति, हर एक अपनी जातिवाद से बाहर निकलकर, अपने पार्टी लाइन से बाहर निकल, सिर्फ दमन दीव की भला सोचने पर सोचकर आगे आए। और मैं विश्वास रखता हूं कि आप लोग आगे आएंगे क्योंकि आपको कोई नहीं बचा सकता, आपको सिर्फ और सिर्फ बचा सकती है आप खुद। आप खुद को ही हिम्मत करनी होगी और इस समस्या के लिए आप लोगों को ही लड़ना होगा। राजनेता आप लोगों को बचाएंगे वैसा आप मत सोचिए। उम्मीद करता हूं आप लोग मेरी बात को समझेंगे। आज मैं बहुत दुखी और राहत हूं और ऐसा दुखी हूं कि मेरे पास अब तो इस बातों को, इस वेदनाओं को लोगों तक पहुंचाने की भी हिम्मत नहीं रही है। एक अकेला इंसान कितना चिल्लाएगा? आप ये जुल्म मत सहो, मेहरबानी करो और दमन दीव के हक और दमन दीव के भविष्य के लिए सब एक करके बोलो, बस यही कहना है। और उम्मीद करता हूं आप लोग मेरी बात को समझेंगे और एक होकर दमन दीव के भविष्य के लिए लड़ेंगे। जय हिंद।